एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, यानी क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो रूल्स क्या होते हैं, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार कौन सा है, यानी बेस, बेस हमारा है 7 और हाइट कौन सा है इसमें 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, क्या मिला, रूल्स क्या होते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हेयर, यहां लिखेंगे बेस, तो बेस कितना दिया गया था ए पार्ट में 7 सेंटीमीटर, यहां पे लिख दीजिए, एंड हाइट कितना दिया गया था, लिख दीजिए हाइट कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लें, हेयर की जगह पे यहां बेस है यानी आधार बराबर 7 सेंटीमीटर और हाइट यानी ऊंचाई बराबर कितना मिला 4 सेंटीमीटर, ये आपके बुक में दिया गया है। तो हमें इसे फाइंड क्या करना है, एरिया पैरेललोग्राम। तो यहां पे देयरफॉर यहां लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने रूल्स क्या लिखा था, बेस इंटू हाइट, तो बेस में क्या मिला 7 सेंटीमीटर, तो यहां पे 7 इंटू हाइट, हाइट में क्या मिला था बुक में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 से क्या मिला 28, यानी क्या था सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी एरिया निकालेंगे स्क्वायर दे देंगे, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 7 × 4 यानी 7 × 6 = 28 सेंटीमीटर वर्ग, ये हमारा ए पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, फिगर में देखिए, इसमें देखिए बेस कौन सा है, बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बेस इंटू हाइट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिखिए हेयर बेस, तो बेस में कितना था बी पार्ट में 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना था, लिख दीजिए
हाइट इज इक्वल टू कितना था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, यहां आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिखेंगे हम देयरफॉर, एरिया निकालना हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम का रूल्स क्या होते हैं, बेस इनटू हाइट, तो बेस में क्या मिला 5 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई हाइट कितना मिला 3 सेंटीमीटर, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 से क्या मिला 15 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी मीडियम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिला 5 × 3 यानी 5 × 3 = 15 यानी सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। तो देखिए सी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, यहां देखिए सी पार्ट में बेस क्या मिला है, देखिए ये नीचे वाला हमारे क्या होते हैं बेस यानी आधार 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना मिला 3.5 सेंटीमीटर, इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए एरिया पैरेललोग्राम हम निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखिए हेयर बेस, तो बेस में क्या मिला था 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना निकल गया, यहां पे लिख दीजिए हाइट इज इक्वल टू कितना दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लें, यहां आधार बराबर 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए एरिया निकालते हैं, तो यहां लिखिए एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो एरिया पैरेललोग्राम आपको पहले ही बता दिए हैं बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस में क्या मिला 2.5 × हाइट में कितना मिला 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे, देखिए तो देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं 2.5 3.5। ठीक है, 5 5 = 25 कैरी हुआ 2, 5 2 = 10 और 2 कितना हुआ 12, 3 5 = 15, 3 2 = 6 और एक कैरी 7, 5 5 + 2 = 7 7 + 1 कितना हुआ 8। बात आती है पॉइंट की, देखिए कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहां भी एक संख्या के बाद है, एक और एक कितना मिल गया 2, दो संख्या के बाद मिला पॉइंट, तो देखिए 1 2 दो संख्या के बाद यहां पे पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो कितना मिला 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिला हमारा सी पार्ट का आंसर। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, यहां समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना मिल गया 8.75 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए डी पार्ट दिखाते हैं, देखिए इन्होंने क्या दे दिया, इसमें देखिए बेस कौन सा होता है 5 सेंटीमीटर है ये बेस, ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो डॉट डॉट होते हैं ये हमारे हाइट होते हैं। ठीक है, तो बेस हमारा मिला 5 सेंटीमीटर और हाइट मिला 4.8 सेंटीमीटर, इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा। तो चलिए डी पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए यहां पे लिखिए हेयर बेस, बेस में कितना मिला 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट, हाइट में कितना मिला 4.8 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम लिखें, यहां बेस का मतलब होता है आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए एरिया निकालते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, रूल्स क्या होते हैं, बेस इनटू हाइट, तो बेस में क्या मिला 5 सेंटीमीटर और हाइट मतलब ऊंचाई में कितना मिला 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 5.8 जा कितना मिला 40 यानी 0, ठीक है, 5.4 जा कितना मिला 20, 5.4 जा 20 और 4 कितना मिला 24, तो यहां पे लिख दीजिए 24, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहां पे एक संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, यानी कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया डी पार्ट का आंसर, ठीक है। हिंदी मीडियम लिख लेंगे यहां पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ई पार्ट सॉल्व करते हैं, तो देखिए ई पार्ट में बेस कौन सा है 2 सेंटीमीटर है और हाइट कौन सा है 4.4 सेंटीमीटर। हाइट पहचानने के लिए जो डॉट डॉट दिया जा रहा है, समझिए ये हाइट है और बिना डॉट वाले क्या है बेस है, तो इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए हेयर, ठीक है, बेस इज इक्वल्स टू, तो बेस में कितना मिला था 2 सेंटीमीटर एंड हाइट में कितना मिला था 4.4 सेंटीमीटर, यहां पे लिख दीजिए 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, यहां आधार बराबर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4.4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, रूल्स क्या होते हैं, बेस इनटू हाइट, तो बेस में क्या मिला 2 सेंटीमीटर और हाइट में कितना मिला 4.4 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके देखिए 2.4 जा क्या मिला 8, 2.4 जा 8, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिए, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी मीडियम लिख लेंगे यहां पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या मिला यहां पे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार में मिला 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई में कितना मिला 4.4 सेंटीमीटर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर मिल गया 8.8 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए, दैट्स इट।